नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज़। फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज़ में हम बेसिक ज्योग्राफी कवर कर चुके थे। बेसिक ज्योग्राफी में हमने क्या है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम एंड अर्थ के बारे में, मून, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा और यहाँ पर हमारी बेसिक ज्योग्राफी कवर हो जाती थी। तो बेसिक ज्योग्राफी कवर करने के बाद हमने थ्योरीज़ रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा, थ्योरीज पढ़ी, डिफरेंट हाइपोथेसिस थी, लाइक गैसियस हाइपोथेसिस थी, कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस, ये हमने वन बाय वन सभी डिस्कस किए। देन इसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बाद अब हमारा क्या है, यूनिट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिस स्टार्ट होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन से, कि कॉन्टिनेंट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ओशियन बेसिन्स कैसे बने, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि किसने दी थी, लॉर्ड केल्विन ने दी। देन इसके बाद टेट्राहेड्रल थ्योरी देखेंगे लोथियन ग्रीन की। उसके बाद CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि F. B. टेलर और एंड इसमें मॉडिफिकेशन किसने किया, ये एक वैगनर ने दी थी। तो टेलर की भी पढ़ेंगे और वैगनर की, दोनों हम। देन इसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस द्वारा, और देन फाइनली हम क्या है, प्लेट टेक्टोनिक देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस और टेट्राहेड्रल थ्योरी देखेंगे। देन इसके बाद हम दोनों CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे, F. B. टेलर की और वैगनर की। देन इसके बाद हम थर्ड लेक्चर में क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखेंगे, हैरी हेस की, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन की बात की जाए, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स, ये क्या है, इसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। फंडामेंटल रिलीफ फीचर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, फंडामेंटल रिलीफ फीचर्स। इसको ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर वाला रिलीफ फीचर्स है। कौन, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। ये किसने डिस्क्राइब किया था, ये सैलिसबरी ने डिस्क्राइब किया था कि तीन तरह के ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स आते हैं, सेकंड ऑर्डर में माउंटेन्स वगैरह, और थर्ड में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, रिलीफ फीचर्स, वो आते हैं। तो इसलिए हमें ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, साइंटिस्ट के टाइम टू टाइम उन्होंने चेंज किया। देन इनको एग्जामाइन करने से पहले हम क्या है, करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे, किसका, कॉन्टिनेंट्स का और ओशियन का। क्या पैटर्न है, क्या डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न और क्या अरेंजमेंट है, वो सब देखने वाले हैं। तो अगर बात की जाए तो अर्थ सरफेस पे कितना एरिया है, अगर हम 100 यूनिट माने तो इसमें 71% क्या है, ओशियंस है, एंड 29% क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट्स है। तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या है, ज़्यादा लैंड एरिया है। अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात की जाए, यहाँ पर क्या, नॉर्थ हेमिस्फेयर में लैंड ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो कॉन्टिनेंट्स के एक वन बाय वन हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर अर्थ पूरा ग्लोब को देखा जाए, हमारी अर्थ सरफेस को देखा जाए, ये क्या है इक्वेटर वाली लाइन है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये क्या है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये क्या है, हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है। जो अगर नॉर्थ में देखें इक्वेटर के, तो 75% जो लैंड एरिया है वो कहाँ है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, ये वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर लैंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ये क्या है हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कॉन्टिनेंट्स कैसे अरेंज हुए हैं, ट्रायंगुलर शेप में। देखिए, अगर कोई सा भी कॉन्टिनेंट देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देखिए, ये क्या है कॉन्टिनेंट ट्रायंगल की शेप में है। अगर इसको भी देखें सदर्न हेमिस्फेयर को, ये भी क्या है ट्रायंगुलर शेप में। साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो ये भी क्या है ट्रायंगुलर शेप में है, एंड इंडिया और यूरोप को देखा जाए तो ये भी ट्रायंगल की शेप में। एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। तो कॉन्टिनेंट्स कैसे अरेंज है? ट्रायंगुलर शेप में। इनका बेस किधर की तरफ है? अगर बेस की बात की जाए, बेस देखिए ऊपर की तरफ है, ये बेस है, ये भी बेस है, अफ्रीका का ये बेस है एंड इसका बेस है। तो इसमें बेस ऊपर की तरफ है और जो एपिक्स है, जो इसका कोना है, ये नीचे की तरफ है। किसमें? कॉन्टिनेंट्स में। क्लियर। और एक्सेप्शन क्या है इसमें? ऑस्ट्रेलिया है। ओशियन को देखा जाए तो ओशियन भी क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है। ये ओशियन देखिए आप, अंटार्कटिक, अटलांटिक, तो ये भी क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है। जितने भी ये हमारे ओशियन हैं, अच्छा वेदर इट इज़ अटलांटिक, इंडियन ओशियन, ये सब क्या हैं? ये ट्रायंगुलर शेप में है। और वेदर इट इज़ पैसिफिक, पैसिफिक को भी देखिए। तो ये जितने भी ओशियन हैं हमारे किस में हैं? ट्रायंगुलर शेप में है। लेकिन इनका बेस, जैसे कॉन्टिनेंट में क्या था? बेस ऊपर की तरफ था और एपिक्स नीचे की तरफ था, लेकिन इसमें उल्टा है, बेस नीचे की तरफ है और इनका जो एपिक्स है वो अपेक्स ऊपर की तरफ है। ये अपेक्स है इनका। क्लियर। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फोर्थ वन है हमारी नॉर्थ पोल, जो है हमारा सराउंड किया गया है किससे? वाटर से, ओशियनिक वाटर से। और साउथ पोल की तरफ किसकी बहुलता है? लैंड एरिया की। देखिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है? ओशियन है। कौन सा? आर्कटिक ओशियन है। और जो हमारा साउथ पोल है वहाँ पर क्या है? अंटार्कटिक है। यहाँ पर क्या है? लैंड एरिया ज़्यादा है। क्लियर। यहाँ पर क्या है? देखिए ये आर्कटिक ओशियन है नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे क्या है? ये हमारा लैंड एरिया है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी एंटीपोडल अरेंजमेंट। ये सिंपल शब्दों में बताएंगे, कोई आपको कंफ्यूज ना करके। देखिए ये हमारा एक एप्पल है, अगर हम इसमें कोई एक पिन घुसाएं या कोई कील घुसाएं, तो अगर सपोज करो ये एप्पल है, तो यहाँ पर क्या है? लैंड बॉडी है, और अगर यहाँ पर भी लैंड बॉडी है तो एंटीपोडल होता। कहीं भी आप कोई भी ये एक तरफ से घुसा दीजिए, ये जो कोई भी कील वगैरह, और जो निकलेगा ये इसका क्या है? एंटीपोडल हो जाएगा। यहाँ अगर आपने इसको होल किया और यहाँ से निकली, तो ये क्या है? इसका एंटीपोड वाला पॉइंट होगा। क्लियर। तो अर्थ में क्या है? मोर देन 90% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज सिचुएटेड डायमेट्रिकली अपोजिट टू वाटर बॉडीज। देखिए अगर ये हमारी, यहाँ समझा देते, ये हमारी अर्थ है, अगर यहाँ हमने कोई यहाँ पर कील लगाई और तो ये यहाँ निकलेगी, तो यहाँ भी वाटर था और यहाँ भी वाटर था। अगर आपने कील यहाँ लगाई तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर कील लगाई, तो ऐसा हो सेंटर से निकलना चाहिए। तो यहाँ क्या है? लैंड है, यहाँ वाटर है। तो डेटा निकल के आता है यहाँ पर क्या है? जो 44.6% जो ओशियन है वो अपोजिट है किसके? ओशियन के। देखिए आप यहाँ कील घुसाइए तो यहाँ निकलेगी, यहाँ भी ओशियन, यहाँ भी ओशियन। तो 44.6% एरिया ऐसा है कि ओशियन में आपने यहाँ किया और यहाँ ओशियन से ही निकला। तो एंटीपोड क्या होगा इसका? ओशियन। ओशियन का 44.6%। अगर लैंड की बात की जाए तो लैंड का ओनली 1.4% निकल के आता है। अगर मान लीजिए आपने न्यूजीलैंड में, देखिए यहाँ पर क्या है? न्यूजीलैंड में कील सपोज किया, पिन किया, और यहाँ पर क्या है? इसका पोड है, और इसका एंटीपोड न्यूजीलैंड का कहाँ होगा? इबेरियन पेनिनसुला में, जो स्पेन और पुर्तगाल वाला पार्ट है। अगर ये न्यूजीलैंड है और यहाँ पर क्या है? इबेरियन पेनिनसुला। आई होप क्लियर हुआ होगा एंटीपोडल अरेंजमेंट। सिक्स्थ वन है कि ग्रेट पैसिफिक ओशियन है, ये कितना? 33% हिस्सा कवर करता है किसका? हमारे ग्लोब का। ये जो पैसिफिक ओशियन है 33% एरिया कवर करता है, जो अगर पूरे ग्लोब की बात की जाए तो 33%। तो ये क्या थी? करेक्टरिस्टिक्स की किसकी? जो 6 करेक्टरिस्टिक्स थी, ये हमने 1 बाय 1 देखे हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न था कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का। तो जितने भी आगे थ्योरीज या हाइपोथेसिस हैं, तो ये किस पर डिपेंड है? इन्हीं 6 पर डिपेंड है। तो हम अपनी आज की थ्योरी स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस। तो पहली हाइपोथेसिस की बात की जाए तो पहली है गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लॉर्ड केल्विन। तो इन्होंने क्या बोला था कि लॉर्ड केल्विन ने कि हमारी जो अर्थ थी स्टार्टिंग में गैसियस नेबुला थी, हॉट एंड गैसियस नेबुला। जब हमने थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, वहाँ पढ़ाया था नेबुला क्या होता है, तो ये गैसियस नेबुला था। अब ये क्या 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 हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ अर्थ का फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, ये अर्थ बनी। तो ये आग का गोला थी, देन इसके बाद क्या हुई, ये कूल होने लगी। कूल हुई उसके बाद क्या है, अब ऊपर वाला लेयर तो क्या है इसका जल्दी कूल हो गया और नीचे वाला अभी भी कूल हो रहा था। तो धीरे धीरे कूल हुआ, ऊपर वाला कूल होता गया और नीचे वाला के प्रोसेस स्लो थी। तो क्या हो गया, गैप बन गया इनके बीच में। जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट था वो क्या है इसमें चला गया। तो ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से शेप बन गई। यहाँ पर क्या है, जब कूल हुई सॉलिडिफाई हुई तो क्रस्ट जो है अर्थ की फॉर्म्ड हुई और कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कहीं पर ये क्या है ऊपर उठ गया, कहीं पर ये अंदर धंस गया। और जो ऊपर उठा वाला पार्ट था वो कॉन्टिनेंट, जो धंसा वाला पार्ट था वो ओशियन बन गया और इसमें डिप्रेशन पानी भरा तो ये ही ओशियन बन गया। ये थ्योरी किसकी थी, लॉर्ड केल्विन की। तो लॉर्ड केल्विन ने क्या बोला, ये एक ब्रिटिश फिजिस्ट और इंजीनियर थे। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में क्या बोला, अर्थ क्या थी, गैसियस नेबुला थी। देन अर्थ क्या है, इसका आउटर लेयर अर्थ की कूल होने लगी, कूल होने के बाद सॉलिडिफाइड और जो क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जो एरिया था वो श्रिंक डाउन कर गया। इससे क्या है ओशियन बॉटम बना और जो अपलिफ्ट वाला पार्ट था वो क्या है कॉन्टिनेंट्स बने। किसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी दी, किसने, केल्विन ने। इसके क्रिटिसिज्म क्या निकल के आए, तो ये हाइपोथेसिस है किसके अगेंस्ट में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स के अगेंस्ट में है। अब आप ही सोचिए, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन का वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये क्या है इसका क्रिटिसिज्म हुआ। एंड ये थ्योरी क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम जियोसिंक्लाइन इन द कॉन्टिनेंट। तो माउंटेन का तो ओरिजिन जियोसिंक्लाइन से होता है, तो इन्होंने कोई इसके बारे में भी नहीं बताया। देन हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, किसकी, लोथियन ग्रीन की। लोथियन ग्रीन क्या थे, इंग्लैंड में कैबिनेट मिनिस्टर थे और एक जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी दी, हाइपोथेसिस दी, किससे रिलेटेड, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन के ओरिजिन से रिलेटेड, ये दी इन्होंने 1875 में। उन्होंने उनकी जो थ्योरी थी ये बेस है किस पर, टेट्राहेड्रन पर। टेट्राहेड्रन मतलब जिसकी चार तरह के किनारे हों, और मतलब स्फेयर है ये, सपोज कीजिए स्फेयर है, इसका सरफेस एरिया क्या है कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन टेट्राहेड्रन में उल्टा होता है, इसमें क्या है चार प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस ये रहा, एक ये रहा, एक इधर और एक इसका पीछे की साइड। 3D में अगर देखा तो टेट्राहेड्रन में क्या होते हैं, चार इक्वल प्लेन सरफेस होते हैं और ईच ऑफ विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। आप इधर से देख लीजिए ये क्या है तीनों साइड इक्वल है, इसका भी देख लीजिए ये भी तीनों साइड इक्वल है और ये भी देख लीजिए। तो टेट्राहेड्रन में क्या है चार प्लेन सरफेस होते हैं और एक सरफेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो उनकी जो थ्योरी थी किसकी, लोथियन ग्रीन की, ये किस पर बेस्ड है, टू बेसिक प्रिंसिपल्स पर। अब वो टू बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसमें उन्होंने बोला था कि एक स्फेयर है, स्फेयर का क्या होता है ये हमने अभी बताया है, वॉल्यूम क्या होता है लार्जेस्ट होता है और लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है इसका कम होता है। तो वॉल्यूम इज मोर देन सरफेस एरिया। लेकिन टेट्राहेड्रन में क्या होता है उल्टा होता है, टेट्राहेड्रन में क्या होता है सरफेस एरिया तो ज़्यादा होता है और वॉल्यूम क्या होता है कम होता है। तो टेट्राहेड्रल थ्योरी में कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। उन्होंने बोला डोमिनेंस ऑफ लैंड एरिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वाटर एरिया इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये हमने भी बताया था अभी जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ट्रायंगुलर शेप देखा किसका, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस का। सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूस रिंग ऑफ लैंड अराउंड नॉर्थ पोल सी एंड लोकेशन ऑफ साउथ पोल इन लैंड एरिया। मीन्स नॉर्थ पोल में आर्कटिक सी था और साउथ में अंटार्कटिक था। एंड एंटीपोडल अरेंजमेंट देखा कॉन्टिनेंट्स ओशियन का। पैसिफिक 33% एरिया कवर करता है ग्लोब का। एंड लोकेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स की चैन है कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन के अराउंड में। तो ये सब चीज़ें सक्सेसफुली एक्सप्लेन की किसने, टेट्राहेड्रल हाइपोथीसिस ने। तो लोथियन ग्रीन के अकॉर्डिंग जब अर्थ ओरिजिनेटेड हुई कैसी थी, स्फेयर शेप में थी। एंड धीरे धीरे क्या हुई, स्टार्टिंग में अर्थ क्या थी, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म थी, धीरे धीरे ये कूल डाउन हुई। ये क्या थी, स्फेयर थी और हॉट थी। धीरे धीरे क्या हुई ये, फिर इससे हीट लॉस होने लगी। तो हीट लॉस हुई तो फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे कोल्ड होने लगी। अब कूल डाउन होने लगी, इसके बाद हीट लॉस करने के बाद जो आउटर पार्ट है अर्थ की वो कूल डाउन हुई और इससे क्या बन गया, क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो इनर पार्ट है अर्थ का वो अभी भी कूल डाउन हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, इनर पार्ट जो अर्थ का है वो क्या कर गया, मतलब जो अपर पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। कंटिन्यूस कूलिंग हो रही थी ऊपर की साइड और नीचे क्या है जो इनर पार्ट था वहाँ पर कम हो रही थी। ये क्या है देखिए, यहाँ पर कूलिंग तेज हुई, यहाँ पर ये क्या है जल्दी से सॉलिडिफाइड हो गया और जो अंदर वाला पार्ट था वो अभी भी चल रहा था। तो क्या हुआ, अपर पार्ट जो है क्रस्ट का कूल होने के बाद क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, मीन्स अंदर की तरफ हो गया। तो इसने किसका फॉर्म ले लिया, टेट्राहेड्रल का फॉर्म ले लिया। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है लॉर्ड केल्विन, सॉरी लोथियन ग्रीन। लॉर्ड केल्विन ने तो गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। तो यहाँ तक क्लियर। तो इनकी थ्योरी से निकल के आया देखिए यहाँ पर, द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कूल डाउन एंड दस वॉज फॉर्म द क्रस्ट बट इनर पार्ट ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू कूल डाउन। इससे क्या हुआ, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज सब्जेक्टेड टू मोर कंट्रैक्शन ड्यू टू कंटिन्यूस कूलिंग एंड दस देयर वॉज मार्क्ड रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। इससे क्या हुआ, अपर पार्ट जो था अर्थ का जो जिसको क्रस्ट बोलते हैं वो कूल डाउन हो चुका था, सॉलिडिफाइड हो चुका था। हैंस इट कुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। दिस रिजल्टेड इन टू पॉसिबल गैप बिटवीन द अपर एंड इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो एक गैप बन गया था जो अपर पार्ट था और बीच का ये इनर पार्ट था। तो इससे क्या हुआ, अपर पार्ट कोलैप्स कर गया ऑन द इनर पार्ट एंड अल्टीमेटली द अर्थ बिगिन टू एज्यूम द शेप ऑफ टेट्राहेड्रन। किसका शेप ले लिया, टेट्राहेड्रन का शेप ले लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो लोथियन ग्रीन के अकॉर्डिंग जो ओशियन थे वो क्रिएट कहाँ पर हुए, प्लेन सरफेसिस पे, और जो टेरेस्ट्रियल पार्ट था वो कहाँ पर आया, अपैक्स पर क्या बना, कॉन्टिनेंटल मास बन के आया। तो चार तरह के ओशियन है, कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। तो ये बने यहाँ पर एक पैसिफिक, यहाँ पर आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक और एक इंडियन ओशियन। ये बैक साइड में अगर देखें तो एक ये हो गया, ये एक इसके बैक साइड में 3D में समझिए इसको। यहाँ पर क्या है, पैसिफिक, और ये कौन सा हुआ, अटलांटिक, ये आर्कटिक एंड ये इंडियन ओशियन। तो चार ओशियन निकल के आए। देन 3 वर्टिकल मेरिडोनियल एजेस, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एक पर और अंटार्कटिका एक पर। अगर ये वाला मेरिडियन देखा जाए ये वाला, तो यहाँ पर क्या था, नॉर्थ और साउथ अमेरिका था, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और ये वाला जो था हमारा, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया निकल के आया। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये यहाँ पर सॉरी ऑस्ट्रेलिया और एशिया। ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, और यहाँ पर क्या था, अफ्रीका एंड यूरोप, ये निकल के आए। और इसमें चार तरह की शील्ड थी। शील्ड कौन कौन सी, एक कैनेडियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड एंड अंटार्कटिक शील्ड। ये टोटल कितनी शील्ड निकल के आई, चार शील्ड निकल के आई। तो ये थी हमारी क्या, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, जो कि किसने दी, लोथियन ग्रीन ने दी थी। इसके क्रिटिसिज्म क्या निकल के आते हैं, देखिए, बैलेंस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रन वाइल रोटेटिंग ऑन एन एपेक्स कैन नॉट बी मेंटेन। अगर आप टेट्राहेड्रन को क्या है, रिवॉल्व कराइए सन के आसपास, और पहली बार तो ये रोटेट नहीं होगी अपने एक्सिस पर ही, तो ये क्या है, पहला क्रिटिसिज्म है। अर्थ इज रोटेटिंग सो रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस दैट द स्पेरिकल अर्थ कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ टेट्राहेड्रन व्हाइल कॉन्ट्रैक्टेड ऑन कूलिंग। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर इतनी तेजी से घूम रही है कि वो टेट्राहेड्रन में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। और ये जो हाइपोथेसिस है, दिस हाइपोथेसिस बिलीव्स मोर और लेस इन द परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन। तो ये किस पर ही डिपेंड है, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन के बारे में ही डिपेंड है। ग्रेगरी के अकॉर्डिंग, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग द पोर्शन ऑफ द वर्टिकल टेट्राहेड्रन एजिस शुड बी फेयरली कॉन्स्टेंट। देखिए, अगर श्रिंक हो रहा था तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कि लैंड विड्थ ना और ये भी जो हमारा वाटर बॉडीज है वो सेम होनी चाहिए थी, होमोजीनियस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओशियन क्या है 71% एरिया पर है और लैंड जो है 29% एरिया पर लैंड है। तो ये क्या है, ये भी क्रिटिसिज्म निकल के आया, किसका, टेट्राहेड्रल थ्योरी ऑफ लोथियन ग्रीन का। तो यहाँ पर हमने क्या है, आज इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन इसके बाद हमने जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी केल्विन की वो डिस्कस की, एंड फिर इसके बाद क्या है, टेट्राहेड्रल थ्योरी पढ़ा हमने, किसका, लोथियन ग्रीन का। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर क्या है, आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ F. B. टेलर एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। देन इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस की और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।